हरे कृष्ण सभी को। तो आज हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास, अधिक मास या मल मास किसे कहते हैं, क्या होता है और इस मास में यानी इस महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ। और ये भी जानेंगे कि मल मास कैसे बना पुरुषोत्तम मास। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और मैं आपको सारी चीज़ें एकदम डिटेल्स में बताऊंगी और ये भी कहानी बताऊंगी, कथा बताऊंगी जो कैसे श्री कृष्ण ने मल मास पे कृपा करके उसे पुरुषोत्तम मास बना दिया। और सबसे बड़ी बात पता है, ये अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास 3 साल में बस एक बार आता है, 1 महीने के लिए, और ये भक्ति का ऑफर वाला मंथ है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो बहुत आनंद देने वाला है। अधिक मास पुरुषोत्तम मास भक्ति में ऑफर वाला मंथ है, यानी हम कुछ भी डिवोशनल सर्विसेज करेंगे तो हमें उसका अधिक फल मिलेगा यानी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। कैसे ये हम आगे वीडियो में जानेंगे, इसी वजह से वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, पूरा एंड तक देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। पुरुषोत्तम मास 18 जुलाई से स्टार्ट है और 1 मंथ तक रहेगी। पहले हम जानेंगे अधिक मास होता क्या है, इसे अधिक मास ही क्यों कहा जाता है। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो ये जो सृष्टि है ये सन एंड मून के स्पीड से चल रही है। मून सन के पीछे पीछे चलता है, बट मून सन से 10 दिन पीछे चलता है। आफ्टर एवरी 3 ईयर्स के बाद ये एक्स्ट्रा मंथ आता है यानी अधिक मास, हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर 3 साल के बाद मून की जो स्पीड है वो बस 10 डेज की नहीं रह जाती है और स्लो होकर के 30 डेज की हो जाती है। इसी वजह से इस गैप को फील करने के लिए एक एक्स्ट्रा मंथ यानी अधिक मास निकाला जाता है। और आपको एक बात पता है, भगवान नरसिम्हा देव ने हिरण्यकश्यपु को इसी अधिक मास में मारा था यानी पुरुषोत्तम मास में, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि ना मैं दिन में मरूँ ना रात में, ना मैं किसी शस्त्र से मरूं, ना मैं अस्त्र से, ना मैं जमीन पे मरूं, ना मैं आसमान पे, ना मुझे देव मार पाए, ना कोई असुर, ना इंसान, ना जानवर। और हिरण्यकश्यपु ने ये भी कहा कि यहाँ तक कि मैं आपके बनाए हुए 12 महीनों में से 1 महीने में भी ना मरूं। तो हिरण्यकश्यपु ने तो अपनी पूरी स्मार्टनेस लगा ली, लेकिन ये भूल गए कि अगर वो इतने स्मार्ट हैं तो जो परम भगवान है वो कितने स्मार्ट होंगे। तो भगवान ने एक एक्स्ट्रा मंथ मास ऐड कर दिया जिसे हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं, और उस मंथ में हिरण्यकश्यपु का वध किया। और इस मास को अधिक मास इसलिए भी कहते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण, हमारे कृष्ण, ये चाहते हैं कि हम इस अधिक मास में उनके अधिक से अधिक उनके करीब जाने की कोशिश करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा डिवोशनल सर्विसेज करें, धार्मिक क्रियाएँ करें। बहुत लोग इस मंथ को मल मास भी कहते थे या कहते हैं। क्यों कहते हैं? मल मतलब तो गंदगी हुई जिसका कोई यूज ना हो। तो अब हम जानेंगे मल मास पुरुषोत्तम मास कैसे बना। जब ये मास यानी महीना प्रकट हुआ था तो इस महीने की जो देवी हैं, जैसे जल के देवता होते हैं, अग्नि के देव होते हैं, वैसे ही इस अधिक मास की भी एक देवी है। तो जब ये देवी प्रकट हुई तो सारे देवी देवता इनका बहुत अपमान करने लगे कि तुम तो मल के समान हो, तुम्हारा तो कोई उपयोग नहीं है, तुम्हारे महीने में तो कोई शुभ काम नहीं होता है। सब ताने मारने लगे, इन्हें कोसने लगे, तुम्हारा तो कोई अस्तित्व नहीं है। सब इनका बहुत मजाक उड़ाने लगे, ताने देने लगे, किसी ने भी इन्हें नहीं अपनाया क्योंकि इनमें कोई शुभ काम नहीं होता है। इन सब से बहुत मायूस, उदास, दुखी होकर के वो रोते रोते दौड़ते दौड़ते भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु उन्हें भगवान कृष्ण के पास ले गए, यानी वैकुंठ से गोलोक धाम लेकर के गए, जो हमारे कृष्ण का निज धाम है, परम धाम है। वहाँ जाते ही वो देवी भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी और कहने लगी, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। श्री कृष्ण ने सुना गोलोक में कोई रो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने तुरंत उन देवी को उठाया और उन देवी ने बहुत रोते रोते श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मुझे कोई नहीं अपना रहा, सब मेरा मजाक बना रहे हैं, सब मेरा अपमान कर रहे हैं, कृपया आप मुझे अपनाइए। और हमारे कृष्ण तो करुणा सिंधु हैं ही। और उन देवी की ये बात सुनकर के हमारे करुणा सिंधु कृष्ण ने तुरंत उनसे विवाह कर लिया। श्री कृष्ण ने अब उनको स्वीकार कर लिया था और अपना सारा वैभव, ऐश्वर्य सब उनको देने लगे, यहाँ तक कि अपना नाम भी दे दिया और कहा, हे देवी, आज से आपको कोई मल मास से नहीं पुकारेगा। और वो नाम क्या था?
भगवान श्री कृष्ण का एक नाम पुरुषोत्तम भी है, यानी सारे पुरुषों में जो सबसे उत्तम। और अपना ये नाम उन्होंने मल मास को दे दिया और पुरुषोत्तम मास बना दिया। श्री कृष्ण ने मल मास को पुरुषोत्तम मास बना दिया। जैसे श्री कृष्ण का नाम है पुरुषोत्तम, यानी सारे पुरुषों में जो सबसे उत्तम, ये अधिक मास सारे मासों में सबसे उत्तम पुरुषोत्तम मास या महीना है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पिते, हमारे कृष्ण इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि कोई अगर एक बार उनको अपने आप को सरेंडर कर दे तो फिर चाहे उसमें लाखों बुराइयां हो, कितने अवगुण हो, कितनी भी अयोग्यता हो, वो उसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं और उसे यहाँ से यहाँ कर देते हैं। अब भगवान इतने खुश हो गए कि अधिक मास को या पुरुषोत्तम मास को ढेरों वरदान देने लगे। जैसे जो कोई भी पुरुषोत्तम मास का व्रत करेगा उसे अन्य दूसरे पूजा पाठ धर्म के काम करने से 16 लाख गुना अधिक फल मिलेगा। Yes, did you listen that? 16 लाख गुना ज्यादा। कृष्ण ने ये भी कहा कि जो कोई भी इस मास का व्रत रखेगा उसके सारे पाप यानी सिंस खत्म हो जाएंगे और 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाता है। कृष्ण अपने आप को रोक नहीं पाए और कहा, जो कोई भी इस व्रत का पालन करेगा उसे मेरा साथ मिलेगा और गोलोक में मेरे साक्षात दर्शन होंगे। अब व्रत का मतलब ये नहीं कि पूरे एक महीना यानी पूरे एक अधिक मास में भूखे रहना है। अब सबका यही क्वेश्चन होगा, अरे भाई ये तो बताओ कि ये व्रत रखना कैसा है, हमें भी 16 लाख गुना ज्यादा फल चाहिए, श्री कृष्ण का साथ चाहिए और अपने सारे सीन्स से फ्री होना है। चलिए जानते हैं इस व्रत का पालन कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है, व्हाट डूज व्हाट डोंट्स। सो फर्स्ट वी नो व्हाट डूज, क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट, हमें ज्यादा से ज्यादा चांटिंग करनी है। अगर दो करते हैं तो चार करिए, चार तो छः, छः तो आठ, क्योंकि अधिक मास में हमें अधिक चांटिंग करनी है। इस पुरुषोत्तम मास में एक माला यानी एक राउंड इज इक्वल टू 1000 राउंड्स, यानी एक माला करने से हमें 1000 राउंड्स का बेनिफिट होगा। कोशिश करिए 16 राउंड से भी ज्यादा चांटिंग करने की। और जो बिल्कुल चांटिंग नहीं करते हैं उठो भाई, क्योंकि बस यही एक नाम इस कलयुग के ट्रैप से बाहर निकलने का एकमात्र वन एंड ओनली सॉल्यूशन है। नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कली नास्तेव 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 गति रण्यथा। ज्यादा से ज्यादा दान करना है, मंदिरों में दान करिए, गौशाला में दान करिए, यानी गौशाला में दान करिए या फिर जो गरीब हैं उनको खाना खिलाइए, उनको भोजन करवाइए, हेल्प दी नीड्स। जो आपको बिल्कुल करना है वो है युगल सरकार को यानी हमारे प्यारे से राधा माधव को दीप दिखाना है, उनकी आरती करनी है, उनको सुंदर सुंदर फूलों से सजाना है और उनके चरणों में एक तुलसी दल जरूर अर्पण करना है और तुलसी जी की आरती डेली करनी है, उनकी परिक्रमा करनी है, उनकी सेवा करनी है। ये थोड़ा मे भी सबके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, मेरे लिए भी, दैट यू हैव टू वेक अप बिफोर दी सनराइज एंड टेक अ बाथ एंड चांट दी हॉली नेम ऑफ दी लॉर्ड। उदय से पहले उठना है यानी ब्रह्म मुहूर्त में, और हमें नहाना है और जप करने बैठ जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस व्रत में क्या पढ़ना है, तो आपको जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करना है, नंद नंदन अष्टकम का पाठ करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट हमें भगवद गीता का 15वां अध्याय 15th चैप्टर जो पुरुषोत्तम योग है उसे पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप अष्टकम नहीं पढ़ पाते हैं, भागवतम नहीं पढ़ पाते हैं, बट आपको श्रीमद् भगवद गीता का 15th चैप्टर 15वां अध्याय जो पुरुषोत्तम योग है उसे पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर आप सब सोच रहे हैं कि हम इतना सब कैसे करेंगे, तो सुनने से ऐसे ही लगता है, बट जब आप करने पे उतरेंगे प्रेम से भाव से तो यही सब बहुत ईजी लगेगा, बिकॉज इट डेफिनेटली नॉट अ बिग डील। जितना हो सके उतना करना है, पर मन से प्रेम से एंड भाव से करना है। नाउ वी नो व्हाट डोंट्स, क्या ना करें। नंबर वन, आपको वैष्णवों की भक्तों की निंदा बिल्कुल नहीं करनी इस मंथ में, वैसे तो कभी नहीं करनी है बट इस मंथ में बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये वैष्णव अपराध होगा, क्योंकि कृष्ण को डेफिनेटली ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनकी भक्त की बुराई करे। गौ माता के प्रति कोई अपराध नहीं करना, बल्कि जितना हो सके उनका सेवा करना है। शास्त्रों के प्रति यानी हमारे स्क्रिप्चर्स के प्रति कोई अपराध नहीं करना है। थर्ड, हमें भगवान के नाम का अपराध बिल्कुल नहीं करना है, यानी इधर चांटिंग कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं और इधर फोन चला रहे हैं, यानी एक हाथ में बीट बैग, नाम ले रहे भगवान का और एक हाथ में फोन, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये नाम अपराध है। और हमें अपना एंगर इश्यू डाउन रखना है।
और जो नॉन वेजिटेरियन है और इस व्रत का पालन करना चाहते हैं उन्हें अगले एक महीने तक नॉन वेज बिल्कुल नहीं खानी है। वैसे तो नॉन वेज कभी भी बिल्कुल नहीं खानी है, बट इस एक मंथ में यानी अधिक मास में तो बिल्कुल भी नहीं खानी है। प्योर कंडक्ट रखना है यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एक महीने तक पुरुषोत्तम मास का पालन करना है हम सबको मिलकर। इट्स डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल बिकॉज ऑलवेज रिमेम्बर एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू लव कृष्णा। पूरी कोशिश करनी है पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन करने का। क्या पता कृष्ण हमारी कोशिश देखकर ही बहुत खुश हो जाए और सोचे कम से कम ये कोशिश तो कर रहा है। आपको पता है एक बार द्रौपदी जी ने इस पुरुषोत्तम मास का अपमान किया था, यानी अरे ये व्रत रख करके क्या होगा, ये कुछ नहीं है ऐसा बोला था, तो उनका चीरहरण हुआ था, पांडवों का राज्य छिन गया था और वो बहुत परेशान हो गई थी। तब उन्हें श्री कृष्ण ने कहा तुमने पुरुषोत्तम मास के व्रत का अपमान किया है, इसीलिए ये सब हो रहा है। तुम फिर से उन्हें पूरा रिस्पेक्ट दे करके इस व्रत का पालन करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर से द्रौपदी जी ने पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन किया और वो महाभारत के युद्ध में पांडव जीत गए और उन्हें अपना सारा राज्यपाट वापस मिल गया। तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ हमको कोशिश करनी है जितनी हमसे हो सके उतना पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन करना है। बट ऐसा नहीं बोलना है जो ये करने से क्या होगा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है। बहुत जन में भी ये सब जान करके भी इस व्रत का पालन ना करें, बोलेंगे ये क्या ही होगा इस व्रत का पालन करने से। तो मे भी आपको पता चल ही गया होगा ये वीडियो देख करके कि पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन करने से क्या क्या होगा। और आपको एक बात पता है, स्वयं पार्वती देवी पार्वती माता भी इस व्रत का पालन करती हैं। तो एक बार आपको रिमाइंडर दे देती हूँ, हमें इस अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप करना है, सिंपल एंड सात्विक खाना खाना है, भगवान की कथा सुननी है एंड वेकअप बिफोर द सनराइज। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमें भगवद गीता का 15th चैप्टर जो पुरुषोत्तम योग है उसे पढ़ना है प्रेम से भाव से। मैं बता रही हूँ बहुत अच्छी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप पढ़ना। अगर आपके घर में भगवद गीता है तो आप ज़रूर पढ़ना। पुरुषोत्तम मास का व्रत रखोगे या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप पर आपका जो भी फीडबैक है या क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड वो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपसे पूरा रूल्स फॉलो करना नहीं हो पाता है पुरुषोत्तम मास के व्रत का तो हमें कोशिश भी करनी ही करनी है, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा मंथ नहीं है, 3 साल में एक बार आ रहा है तो कुछ ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की। स्टे ट्यून्ड एंड राधे राधे, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद।